नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमने एक ऐसी कंपनी का चुनाव किया है जो कि डिविडेंड के मामले में देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी देखने को मिलती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं IOC के बारे में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, आप देखेंगे तो चार्ट के ऊपर फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो कि एक अच्छा साइन होता है। दोस्तों, देखेंगे तो कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक काफ़ी टाइम से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, या तो यहाँ से ब्रेकडाउन होना है या तो यहाँ से ब्रेकआउट होना है। दोस्तों, अभी यहाँ पे हम किसी भी तरह का निवेश के हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि जब तक यहाँ पे हमको कन्फर्मेशन ना मिले। दोस्तों, उन सब सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके पहले अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में शैम्पू और एप्पल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। शॉर्ट वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं जो कि आने वाले दिनों में एक बेहतरीन तेजी देते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, वेदांता, वापक जैसे शेयरों के बारे में डिस्कस किया, काफी बेहतरीन तेजी देखने को मिली। दोस्तों, प्रॉफिट के भी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेंगे। जो भी सिस्टमेटिक ढंग से कार्य करता है इसी तरह से पैसा बना पाता है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक, न पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो 8 फरवरी 2024 को देखेंगे तो 196.80 रुपये का स्टॉक ने हाई लगाया, उसके बाद 5 जून को 147.80 रुपये का लो लगता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, यही एक इसका रेंज बन जाता है जिसके अंदर ये स्टॉक काफ़ी टाइम से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है। दोस्तों, अभी आप देखेंगे तो रिक्स रिवार्ड रेशियो फेवरेबल देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, किस लेवल पे बाइंग बनेगी उसके लिए आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीज़ें आपके समझ में आएंगी। तो कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 19.1% के CAGR से अच्छी लाभप्रदता दर्ज की है। दोस्तों, कंपनी 42.6% का अच्छा लाभांश भुगतान बना करके रख रही है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार द्वारा नियंत्रित एक महारत्न कंपनी है जिसके व्यापारिक हित संपूर्ण हाइड्रोकार्बन मूल्य श्रृंखला में फैले हुए हैं। रिफाइनिंग, पाइपलाइन, परिवहन और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन से लेकर के अनुसंधान एवं विकास, अन्वेषण और उत्पाद, प्राकृतिक गैस और पेट्रोकेमिकल्स के विपणन तक भारत के तेल शोधन और पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में इसका नेतृत्वकारी स्थान देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर हम ग्राहक संपर्क बिंदु की बात करें तो कंपनी भारत के बुनियादी ढांचों में अग्रणी है और भारत में 42% खुदरा दुकानें, 51% LPG वितरकों और 48% विमानन ईंधन स्टेशनों को नियंत्रित करती है। दोस्तों, अगर हम पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें तो आप देखेंगे यह भारत भर में फैली 73% क्रूड पाइपलाइनों और 52% उत्पाद पाइपलाइनों का मालिक है। पिछले 3 वर्षों में पाइपलाइनों का औसत क्षमता उपयोग 85% देखने को मिला हुआ है। दोस्तों, अगर हम भौगोलिक उपस्थिति की बात करूं तो आप देखेंगे तो कंपनी की सहायक कंपनियों के माध्यम से श्रीलंका, मॉरिशस, UAE, सिंगापुर, स्वीडन, अमेरिका और नीदरलैंड में भी इसकी मजबूत उपस्थिति देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे जो कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों, जिसका कारण मुझे लगता है कि इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का जो रिजल्ट है दोस्तों, वो यहाँ पे कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं दिसंबर क्वार्टर के सेल्स की बात करूँ जो 1,99,906 करोड़ के हुआ करते थे, आप देखेंगे मार्च क्वार्टर में ये सेल्स घट करके 1,98,650 करोड़ के देखने को मिले। जून क्वार्टर में देखेंगे वापस से कमी आई सेल्स में, 1,93,845 करोड़ का यहाँ पे सेल्स होता हुआ दिखाई दिया। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, दिसंबर क्वार्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 16,576 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च क्वार्टर में घट करके 11,970 करोड़ के देखने को मिले। जून क्वार्टर में आप देखेंगे तो 9,920 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यही इसका कारण है कि जो स्टॉक एक रेंज को पकड़ लिया है, इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, अगर हम वहीं पे ईयर ऑन ईयर बेसिस के सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो बेहतरीन यहाँ पे सेल्स और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोनों में जंप देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं मार्च
मार्च 2022 के सेल्स की बात करूं जो 5,89,321 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2023 में देखेंगे ये सेल्स बढ़कर के 8,41,756 करोड़ के हुए, मार्च 2024 में देखेंगे ये सेल्स में थोड़ी सी कमी है, 7,76,352 करोड़ का यहाँ पर सेल्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47,758 करोड़ के हुआ करते थे, मार्च 2023 में देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30,683 करोड़ के रह गए, और मार्च 2024 में जबरदस्त जंप 75,646 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब बारी आती है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को जानने की, तो सबसे पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंट को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंट की बात करूं 167.25 का है, सेकंड रेसिस्टेंट की बात करें 170.23 का है, थर्ड रेसिस्टेंट की बात करें 171.85 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सपोर्ट के ऊपर डालेंगे, अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूँ 162.65 का है, सेकंड सपोर्ट की बात करें 161.03 का है, थर्ड सपोर्ट की बात करें 158.05 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 5 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बेरिश देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी वीक सिग्नल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सिर्फ 10 डेज की जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे, सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन को जान लेते हैं। 2,31,941 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, पी रेशियो 8 का है, डिविडेंड यील्ड 7.13% का है, काफी बेहतरीन डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू की बात करें 130.13 का है, फेस वैल्यू 10 का है, प्राइस बुक रेशियो की बात करें 1.26 का है, आरओसी की बात करें 32.17% का है, आरओई की बात करें 22.18% का देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऊपर डालेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे शॉर्ट टर्म में तो काफी कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन लंबे अवधि में आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वन वीक में आप देखेंगे तो लगभग 100% की तेजी है, एक महीनों में लगभग 2% का नेगेटिव रिटर्न, तीन महीनों में देखेंगे तो लगभग 3% का नेगेटिव रिटर्न, छह महीनों में 2%, बीते 9 महीनों की बात करें आप देखेंगे तो लगभग 15% का पॉजिटिव रिटर्न है, बीते 1 सालों में 82% का पॉजिटिव रिटर्न, 2 सालों में 148% का पॉजिटिव रिटर्न, 3 सालों में 82%, 4 सालों में 222%, बीते 5 सालों में 70% का रिटर्न इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने निवेशकों को दिया हुआ है। दोस्तों शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया एक ही रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऊपर डालेंगे, सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। 51.50% की होल्डिंग प्रमोटर की है, DII की बात करें 10.15% की होल्डिंग है, FII की बात करें 7.79% की होल्डिंग है, पब्लिक इन्वेस्टर के पास 11.08% की होल्डिंग है, गवर्नमेंट की होल्डिंग देखेंगे तो 19.48% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं डेली फ्रेम का चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हुआ है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे हमने फ्लैग का यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तो फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बने हैं। दोस्तों मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूंगा तो क्लियर वो पिक्चर आपके समझ में आएगी। दोस्तों अभी जो स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे तो 148 और 196 का इसका रेंज है, उसी रेंज को स्टॉक फॉलो कर रहा है। आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। दोस्तों इस स्टॉक के अंदर बाइंग कम बन रही है, सबसे पहले इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, जब तक ये स्टॉक 200 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसके अंदर फ्रेश बाइंग से दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है स्टॉक और भी दिनों तक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करे तो आपका यहाँ पे पैसा ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों जब तक इसमें कंफर्मेशन ना आए, जब तक ये स्टॉक 200 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक इसके अंदर फ्रेश बाइंग से बचिए। जो अगर आप डिविडेंड के पर्पज से हैं तो कोई बात नहीं, आप निवेशित रहिए, और इसका स्टॉप लॉस होगा 180 रुपये का। उसके बाद जो आपको पहला टारगेट देखने को मिलेगा 225-250 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 10% के आसपास का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस रखना होगा, लेकिन जब तक ये क्लोजिंग 200 के ऊपर ना दे तब तक इससे फ्रेश बाइंग से दूर रहिए। चलिए अब मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर लेके चलूँ तो सारी चीज़ें आपको और क्लियर समझ में आ जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हमने आप लोगों के सामने वीकली चार्ट प्रस्तुत कर दिया है, जो हमने आपको बताया फ्लैग पैटर्न यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लैग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है दोस्तों, जो कि अच्छा साइन होता है नो डाउट, लेकिन अभी ये दोस्तों कंसोलिडेशन रेंज है। ये स्टॉक कब तक यहाँ कंसोलिडेट करेगा कोई नहीं जानता है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन। तो दोस्तों जब तक कंफर्मेशन कोई स्टॉक के अंदर ना मिले तब तक फ्रेश बाइंग से दूर रहना चाहिए। दोस्तों मेरा डिस्क्लेमर है, मैं किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करने का कोई सलाह नहीं देता हूँ, किसी भी स्टॉक के अंदर निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें,
दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं जो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगी। तो दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन रिकॉर्ड स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।